मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने कमिश्नर और जिला अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और उनके लिए भोजन समेत अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उनके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रशासन की टीम व एसटीआरएफ की टीमें निरंतर बचाव कार्यों के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं कर रही हैं। इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा, काउ कमिश्नर सुशील कुमार, डीआईजी केएस सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है, उसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेज़ी से किए जाएँ। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की जरूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे।